हेलो एवरीवन, आज की हम लेक्चर शुरू करेंगे नेशनल इनकम पर, जो कि हमारी इकोनॉमी की सीरीज में पहला लेक्चर है। तो इसमें हम मेनली फोकस करेंगे नेशनल इनकम के कॉन्सेप्ट्स को। इसमें जो जो चीज़ें इम्पॉर्टेंट हैं, जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी और पर्सनल इनकम, डिस्पोजेबल इनकम, ये सारी चीज़ें जो नेशनल इनकम का पार्ट है, उसके कॉन्सेप्ट्स को वन बाई वन हम समझेंगे। और एट लास्ट हम कोशिश करेंगे कि इसके इसमें जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज हैं, इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं आए हुए एग्जामिनेशंस में, डिफरेंट कम्पिटेटिव एग्जामिनेशंस में, उसको कवर करने की कोशिश करेंगे। और जो भी जीडीपी जीएनपी के कॉन्सेप्ट है, उसको मैं एक चार्ट के थ्रू भी आपको समझाने की कोशिश करूंगा, जिससे कि आप कभी भी ना भूलें जीडीपी जीएनपी एनएनपी, इन सब में डिफरेंस। तो चलिए आज की लेक्चर शुरू करते हैं, देखते हैं कि नेशनल इनकम का कंसेप्ट क्या है। पहले मैं बता दूं, टेक्निकली नेशनल इनकम है नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, ठीक है। अब देखते हैं इसके अंदर नेशनल इनकम के कंसेप्ट को पढ़ने के लिए जो इससे रिलेटेड चीजें हैं, जो हमें जानना जरूरी है, जो इसका पार्ट है, वो देख लेते हैं क्या क्या है। पहला, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, जिसे हम नेशनल इनकम कहते हैं, पर्सनल इनकम और डिस्पोजेबल इनकम। यहाँ पे मैं वन बाय वन सारे कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करूंगा। और ये जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट है, इनमें हालांकि थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है। उसके बाद एनएनपी एट मार्केट प्राइस क्या है, एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट क्या है, इसमें भी थोड़ा सा स्लाइड डिफरेंस है, वो भी डिस्कस करेंगे। और उसके बाद पर्सनल इनकम एंड डिस्पोजेबल इनकम। तो सबसे पहले चलते हैं हम ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट की ओर। जीडीपी क्या चीज है, अखबार में हम पढ़ते हैं हर दिन अखबार में भारत की जीडीपी के बारे में, कितने परसेंट ग्रो कर रही है, कितने परसेंट से 7.4%, 6.9% जीडीपी ग्रो करेगी भारत की, आईएमएफ ने ये एस्टिमेट दिया, वर्ल्ड बैंक ने एस्टिमेट दिया, लेकिन जीडीपी एक्चुअली क्या चीज है किसी भी कंट्री के लिए, वो हम देखते हैं। जीडीपी एक्चुअल में क्या है, इसमें तीन कंसेप्ट इन्वॉल्व है जो हमें याद रखना है। क्या पहला क्या है कि इट इज द टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज करेंटली प्रोड्यूस्ड विद इन डोमेस्टिक टेरिटरी। तो इसमें सबसे पहली क्या चीज है हमारी, जितना भी प्रोडक्शन हो रहा है वो कहाँ होना चाहिए, पहली चीज विद इन डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ ए कंट्री, विद इन डोमेस्टिक टेरिटरी मतलब विद इन कंट्री जितना भी प्रोडक्शन हो रहा है वो इसमें काउंट होगा, ठीक है। दूसरा कंसेप्ट, दूसरी चीज जो हमें याद रखनी है, फाइनल गुड्स, इसमें क्या चीज इन्वॉल्व है, फाइनल गुड्स की ही हम बात करेंगे। फाइनल गुड्स क्या चीज है, जैसे कि हमारा वीट है, क्या वीट फाइनल गुड्स में काउंट होगा, नहीं। वीट कहाँ जाता है, पहले फ्लोर मिल में, फ्लोर मिल से हमारा बनता है आटा, तो हम आटा यूज कर रहे हैं ना कि वीट यूज कर रहे हैं, तो फाइनल गुड हुआ हमारा आटा। उसी तरीके से क्या है, बेकरी में हमारा ब्रेड है हमारी एक्चुअल में फाइनल गुड्स। इसी तरह हमारा स्टील है, स्टील हम एज ए फाइनल गुड नहीं लेते हैं। फाइनल गुड में क्या है, स्टील से बहुत चीजें बनती हैं, हमारा ये सरिया बनती है जो कि फाइनल गुड्स में काउंट होगी, और शीट्स बनती है, शीट्स कहाँ यूज होती है, कार में यूज होती है, तो फाइनल गुड क्या हो गया, कार हो गई। तो हमें यहाँ पे फाइनल गुड्स पे ध्यान देना है जीडीपी के केस में। तीसरा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, तीसरी चीज जो हमें ध्यान देनी है जीडीपी में, वो है फाइनेंशियल, वन फाइनेंशियल ईयर, एक फाइनेंशियल ईयर में जितना प्रोडक्शन हो रहा है विद इन द कंट्री फाइनल गुड्स का, उसकी मार्केट वैल्यू का पूरा सम, वो है जीडीपी। फाइनेंशियल ईयर क्या होता है भारत के केस में, 1 अप्रैल से 31 मार्च, ये होता है हमारा फाइनेंशियल ईयर, ठीक है। तो एक्चुअल में जीडीपी कंसेप्ट सिंपल सा है और यही है। अब कुछ
इम्पॉर्टेंट चीज़, दो तरह की जीडीपी जनरली होती है, जैसा कि आप देख रहे हैं, नॉमिनल जीडीपी जिसे जीडीपी एट करेंट प्राइस बोलते हैं, और रियल जीडीपी, जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस। अब इन दोनों में क्या बेसिक डिफरेंस है मैं बता देता हूँ। रियल जीडीपी क्या है, जो कि इन्फ्लेशन इसमें एडजस्ट करा जाता है, मतलब इन्फ्लेशन इसमें हटा दिया जाता है और उसके बाद जीडीपी कैलकुलेट करी जाती है, इन्फ्लेशन लेस। ठीक है, इसीलिए इसका एक दूसरा नाम भी है, इन्फ्लेशन करेक्टेड, इन्फ्लेशन करेक्टेड। ठीक है, इन्फ्लेशन करेक्टेड जीडीपी, और इसको एक और चीज बोलते हैं, कांस्टेंट डॉलर जीडीपी। ठीक है, कांस्टेंट डॉलर जीडीपी भी इसको बोलते हैं। तो अब समझ में आ गई बात, रियल जीडीपी क्या है, जिसमें कि इन्फ्लेशन एडजस्ट कर दिया जाता है, इन्फ्लेशन हटा दिया जाता है, उसके बाद जीडीपी काउंट की जाती है। और नॉमिनल जीडीपी में ऐसा नहीं होता है, मतलब इट इंक्लूड्स व्हाट, इट इंक्लूड्स इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन के इफेक्ट को इंक्लूड करके काउंट करा जाता है, इंक्लूड्स इन्फ्लेशन इफेक्ट। ठीक है, इंक्लूड्स इन्फ्लेशन इफेक्ट। ठीक है, और इसी को हम एट करेंट प्राइस बोलते हैं जनरली। ठीक है, और रियल जीडीपी को एट कांस्टेंट प्राइस। तो ये एक बेसिक सा कंसेप्ट है जीडीपी का। ठीक है, ये तीन चीजें आपको, तीन कंसेप्ट याद रखने हैं। टाइप्स ऑफ जीडीपी पूछी जा सकती हैं, मेन क्या डिफरेंस है ये पूछा जा सकते हैं, और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि जीडीपी, सबसे पहले जीडीपी की जो एस्टिमेशन है, जीडीपी का जो एस्टिमेट है, कौन एक्चुअल में मेजर करता है जीडीपी, कौन संस्था है, कौन सी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है, तो उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम है सीएसओ। सीएसओ एक्चुअल में यही नेशनल इनकम और जीडीपी को मेजर करती है, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, और ये आती किसके अंदर है, मिनिस्ट्री ऑफ प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन। ठीक है, इसका काम ही है आंकड़ों का आंकलन करना, जितने भी आंकड़े हैं भारत के इकोनॉमी के उसका आंकलन करना। मतलब सीएसओ जब कोई एस्टिमेट देता है तो भारत का ऑफिशियल एस्टिमेट होता है वो। ठीक है, तो सीएसओ इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एस्टिमेटिंग द जीडीपी एंड नेशनल इनकम ऑफ इंडिया। ठीक है, और इसको, ये सीएसओ को रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली कब थी, सीएसओ को रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली थी 1955 में, ठीक है, सीएसओ को मिली थी रिस्पॉन्सिबिलिटी 1955 में जीडीपी आंकने की, नेशनल इनकम का एस्टिमेट करने की। उससे पहले दो लोग थे जिन्होंने नेशनल इनकम को सबसे पहले एस्टिमेट किया था, और जो पायनियर माने जाते हैं, जो सबसे पहले जिन्होंने नेशनल इनकम का कंसेप्ट लाए, वो थे दादा भाई नारोजी। याद रखिएगा, दादा भाई नारोजी, दादा भाई नारोजी। ठीक है, दादा भाई नारोजी ने सबसे पहले नेशनल इनकम का कंसेप्ट लाए थे, कब, इन 1876 में। इसमें इन्होंने क्या करा था, बेसिकली उस टाइम, आप समझ रहे हैं काफी पहले का टाइम है, इस टाइम उतना करेक्ट एस्टिमेट नहीं कर पाए थे, तो इन्होंने मेनली इंडियन इकोनॉमी को डिवाइड करा था एग्रीकल्चर और नॉन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में। ठीक है, क्योंकि एग्रीकल्चर में भारत का ज्यादा कंट्रीब्यूशन था, इस वजह से ये दो सेक्टर ही बने थे, इन दो सेक्टर में इन्होंने इकोनॉमी को डिवाइड किया था। बट उसके बाद जो साइंटिफिक प्रोसीजर, एक्चुअल साइंटिफिक प्रोसीजर का यूज करके जीडीपी को मेजर करा और नेशनल इनकम को मेजर करने वाले थे डॉक्टर वी के आर वी राव, डॉक्टर वी के आर वी राव जी। ठीक है, इन्होंने कब एस्टिमेट करा नेशनल इनकम का, 1931 में। तो जनरली क्वेश्चंस आते हैं, क्वेश्चन यहां से आता है कि हु इज द पायनियर ऑफ नेशनल इनकम का, डॉक्टर वी के आर वी राव है। ठीक है, अगर आएगा फर्स्ट एस्टिमेट किसने करा तो दादा भाई नारोजी। ठीक है, तो ये है एक्चुअल में
ये दोनों लोग थे जिन्होंने नेशनल इनकम का एस्टिमेशन किया। अब बात करते हैं जीडीपी पर कैपिटा। जीडीपी पर कैपिटा क्या होती है? जीडीपी पर कैपिटा होती है टोटल जीडीपी डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन। जीडीपी को जब हम टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड कर देते हैं तो हमारी जीडीपी पर कैपिटा आ जाती है। और इससे पता क्या चलता है हमको? स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द पर्टिकुलर कंट्री, पर्टिकुलर एरिया। ठीक है, किसी भी कंट्री का, किसी भी पर्टिकुलर ऑफ एरिया, किसी भी कंट्री का, किसी भी एरिया का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या है, ठीक है, वो पता चलता है जीडीपी पर कैपिटा से। ठीक है, नेक्स्ट अब कुछ इंपॉर्टेंट चीज देख लेते हैं। इकोनॉमिक सर्वे जो 2016-17 का था उसके अकॉर्डिंग ये भी क्वेश्चन आता है कि एग्रीकल्चर का कितना कंट्रीब्यूशन है जीडीपी में, इंडस्ट्री, सर्विस सेक्टर, इन सबका कितना कितना कंट्रीब्यूशन है। तो आप जैसा कि देख पा रहे हैं 17.32% मात्र एग्रीकल्चर का है, 29.02 इंडस्ट्री का है, और सर्विस सेक्टर का कितना है 53.66। अब आप ये देख लीजिए भारत की इकोनॉमी की कितनी बड़ी विडंबना, यह देखिए कि जिसमें सबसे कम काम करने वाले लोग हैं सर्विस सेक्टर, वो कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है 53.66, ठीक है, मोर देन 50%। और जिसमें मैक्सिमम लोग अराउंड 60-70% भारत की जनता, भारत की पॉपुलेशन जिस सेक्टर में काम कर रही है एग्रीकल्चर, उसमें देखिए आप मात्र 17.32% ही कंट्रीब्यूशन हो रहा है इकोनॉमी में। ठीक है, तब आप देख सकते हैं ये। और इंडस्ट्री में मैं बता दूं आपको, इंडस्ट्री में जो 29.02, इंडस्ट्री में कौन कौन सी इंडस्ट्रीज जनरली इसमें इंक्लूडेड है? स्टील हो गई, सीमेंट हो गई, ठीक है, पेट्रोलियम हो गई, मैन्युफैक्चरिंग हो गई, एक्सेप्ट्रा एक्सेप्ट्रा, ठीक है, माइनिंग हो गई, ये सब इंडस्ट्रीज का जितना टोटल प्रोडक्शन है कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है, मात्र 29.02। सर्विस सेक्टर में क्या क्या आता है? सेवा, जो आपको सेवा प्रदान करने वाले सेक्टर है कौन कौन से? पहला सबसे बैंकिंग है, ठीक है, इंश्योरेंस सेक्टर है, ठीक है, और आपके रेलवे है, ये सब क्या है? सर्विस सेक्टर है। ठीक है, ये आपको क्या दे रहा है? सेवा दे रहा है। ये तो ये कितना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं 53.66%। ठीक है, अब एक और एस्टिमेशन देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू IMF, ये लेटेस्ट जो उनकी इकोनॉमिक आउटलेट की रिपोर्ट आई है उसके अकॉर्डिंग जो नॉमिनल जीडीपी है भारत की 2016 में एट करेंट प्राइसेस कितनी है? 2.251 बिलियन। मतलब के इसका क्या मतलब हुआ? ये कितना ट्रिलियन डॉलर हुआ? ये हुआ 2.25 ट्रिलियन डॉलर्स। ठीक है, ट्रिलियन डॉलर्स मतलब भारत की इकोनॉमी 2 ट्रिलियन डॉलर्स पार कर चुकी है। ये बहुत ही अच्छी बात है भारत की इकोनॉमी के लिए। ठीक है, जिसकी वजह, और अब आप देख लीजिए भारत कितनी कंट्रीब्यूट करता है वर्ल्ड जीडीपी में, 2.99%, मात्र 2. नियर अबाउट 3% टोटल वर्ल्ड की जीडीपी में भारत कंट्रीब्यूट करता है। किस बेसिस पे? एक्सचेंज रेट बेसिस पे। ठीक है, और भारत का स्पॉट क्या है? सेवेंथ। भारत सेवेंथ लार्जेस्ट इकोनॉमी है वर्ल्ड की। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जीडीपी से रिलेटेड जो मैं आपको बताना जरूरी समझता था, बता दिए। नेक्स्ट आते हैं ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट पर। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट क्या चीज है इस पे थोड़ा डिस्कशन करते हैं। इसमें और जीडीपी में क्या फर्क था? इट इज द टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन अ ईयर। अब आपको फर्क दिखा? नहीं दिखा। यहां पे देखिए जो मेन फर्क क्या है, जीडीपी इंक्लूड्स नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड वेयर एज जीडीपी डज नॉट। मतलब के यहां जो आप देख रहे हो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, इसमें नेशनल्स जितने भी भारत के इंडियन नेशनल्स हैं, चाहे वो भारत में हो चाहे भारत से बाहर हो,
वो लोग सब लोग जितना प्रोडक्शन कर रहे हैं वो इसमें कैलकुलेट किया जाता है। मतलब भारत में रह के जो भारतीय लोग प्रोडक्शन कर रहे हैं और भारत से बाहर जितने लोग एज एनआरआई हैं वो जो प्रोडक्शन कर रहे हैं वो भी जीएनपी में काउंट होता है। बट काउंट क्या नहीं होता है, जो फॉरेनर्स भारत में, भारत की डोमेस्टिक टेरिटरी में आके काम कर रहे हैं और उनको भारत, उनको हमारी कंट्री पैसा दे रही है, उनकी इनकम, उनका प्रोडक्शन काउंट नहीं होता जीएनपी में। नेशनल मतलब सिर्फ इंडियन नेशनल्स का कंट्रीब्यूशन इसमें काउंट होगा, ठीक है। इसी वजह से इसका फॉर्मूला क्या है, जीडीपी प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। अब ये नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड देख लीजिए क्या है, फैक्टर इनकम रिसीव्ड बाय इंडियन नेशनल्स फ्रॉम अब्रॉड, मतलब जो लोग बाहर भारत से जाके पैसा कमाने गए हैं, वहां पे काम कर रहे हैं और वहां से भारत में पैसा ट्रांसफर करते हैं, एनआरआई हैं, और उसमें से हम माइनस कर देंगे क्या, फैक्टर इनकम पेड टू फॉरेन नेशनल्स वर्किंग इन इंडिया, जो फॉरेन नेशनल भारत में काम कर रहे हैं उनकी इनकम उसमें से घटा दी जाएगी, तो हमारी क्या मिल जाएगी, हमको नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ठीक है। तो जीएनपी जनरली क्या है, जीडीपी से हल्की सी ज्यादा ही रहती है, नॉर्मली जीएनपी नॉर्मली ग्रेटर देन जीडीपी, ठीक है। तो अगर नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड पॉजिटिव में होगा तो ठीक है, जीडीपी से ज्यादा होगी, नहीं तो नेगेटिव हो जाएगा, मतलब जीडीपी से कम हो जाएगी जीएनपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं नेट नेशनल प्रोडक्ट पर, जो कि मार्केट प्राइस पे है, ठीक है। अब ये मार्केट प्राइस क्या है और फैक्टर कॉस्ट क्या है, इसके बारे में हम थोड़ा सा आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। पहले देख लेते हैं कि एनएनपी क्या चीज है। ये देखिए क्या, इट इज द टोटल मार्केट वैल्यू, जितने भी आपके फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज हैं उसमें से जब हम डेप्रिसिएशन को माइनस कर देंगे तो हमारा क्या मिल जाएगा, हमको नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, ठीक है, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस हमको मिल जाएगा। तो अब डेप्रिसिएशन क्या चीज है, डेप्रिसिएशन होता है जो नॉर्मल वियर एंड टियर है हमारे फिक्स्ड कैपिटल का, वियर एंड टियर, जैसे कि हमने कोई मशीनरी लगाई, ठीक है, कोई मशीनरी लगाई, ठीक है, पेपर पेपर प्रोड्यूस करने के लिए, ठीक है, तो पेपर की इंडस्ट्रीज में मशीनरी यूज होती है, रॉ मटेरियल डाल के उसमें से हमारा फाइनल प्रोडक्ट निकल रहा है, तो हम तो फाइनल प्रोडक्ट को कंसिडर कर रहे हैं, लेकिन जो मशीनरी खर्च हुई, जो मशीनरी घिस गई, मशीनरी भी तो खर्च होगी ना, घिसेगी, उसकी वैल्यू को हम क्या कर देते, उस वो जो वैल्यू है वो क्या होती है, डेप्रिसिएशन, ठीक है। हमने गाड़ी खरीदी 4.5 लाख की, ठीक है, 4.5 लाख की हमने कार खरीदी, 2 साल बाद उसकी वैल्यू घट के कितनी हो गई, 2 लाख। तो ये जो 2.5 लाख रुपए का डिफरेंस है ये क्या है, डेप्रिसिएशन, विद टाइम ये क्या होता है, घटता है, डेप्रिसिएशन, ठीक है। तो वो जब हम ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में माइनस कर देंगे डेप्रिसिएशन को तो हमें मिल जाएगा नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। अब बात करते हैं कि नेट नेशनल जो मार्केट प्राइस है ये क्या चीज है और फैक्टर कॉस्ट क्या चीज है, ठीक है। तो फैक्टर कॉस्ट हमारी होती है इनपुट कॉस्ट, बेसिकली जो भी हम चीज को बनाने के लिए, गुड्स एंड सर्विसेज को बनाने के लिए, प्रोड्यूस करने के लिए जो चीजें इन्वॉल्व हैं वो हमारी होती हैं क्या, फैक्टर कॉस्ट। जैसे कि हमने लेबर लगाया, लेबर को हमने वेजेस दी, हम जिस दुकान में काम कर रहे थे उसका रेंट दिया, ठीक है। तो मार्केट में पहुंचाने से पहले हमारी जितनी लागत लगी वो क्या होगी, फैक्टर कॉस्ट होगी, और इसी वजह से इस फैक्टर कॉस्ट को हम कह सकते हैं ये क्या है, कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस है, ठीक है। अब बात करते हैं कि भाई मार्केट कॉस्ट, मार्केट कॉस्ट में क्या होगा, हम जैसे ही इसमें इनडायरेक्ट टैक्सेस लगा देंगे, ठीक है, और जो मार्जिन लेगा सेल करने वाला दुकानदार, वो सारी चीजें जैसे इंक्लूड हो जाएंगी क्या हो जाएगा, वो मार्केट कॉस्ट हो जाएगी, ठीक है। मतलब कोई गाड़ी जैसी जब शोरूम में खड़ी तो क्या, मार्केट प्राइस पे खड़ी, ठीक है। अगर आप शोरूम से पहले ही ले लेंगे तो क्या हो जाएगी,
कॉस्ट प्राइस पे मिल जाएगी आपको। तो ये एक तरीके से क्या हो गया, सेलिंग प्राइस, ठीक है, ये हो गया सेलिंग प्राइस, फैक्टर कॉस्ट हो गया आपका कॉस्ट प्राइस। तो ये बेसिक डिफरेंस है दोनों में, ठीक है। तो अभी हमने किसकी बात करी, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस की। अब देखते हैं नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, जो कि हमारी नेशनल इनकम है। अब इसमें एक्चुअली ये है क्या, इसमें हम क्या करते हैं, जैसे मैंने बोला फैक्टर कॉस्ट है, तो जितनी भी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करने में, गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करने में जितनी हमारी लागत लगी, जितनी चीजें इन्वॉल्व थी, जैसे कि हमने क्या करा, हमने लेबर को वेजेस दिए, जहां पे जिस दुकान में काम किया वहां उसका रेंट दिया, जितना हमने लोन लिया उसका इंटरेस्ट दिया, ठीक है, फिर प्रॉफिट पेड किया, ठीक है, ये सारी चीजें हमारी क्या है, इनपुट है, इनपुट कॉस्ट है। ये जैसे ही हमारी इंक्लूड हो जाएंगी, ये इनका जो सम होगा हमारा वो हो जाएगा एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट, ठीक है, क्योंकि ये भी हमारे प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज में इंक्लूड होंगी, और इन ए ईयर, इन ए फाइनेंशियल ईयर, ओके। अब इसको हम अगर लिंक करें एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट को मार्केट प्राइस से, तो ये देखिए, जैसे ही हम मार्केट प्राइस में इनडायरेक्ट टैक्स को माइनस कर देंगे और सब्सिडीज उसमें ऐड कर देंगे, ठीक है, तब हमारी मिल जाएगी एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट, मतलब नेशनल इनकम, ठीक है। हमने क्या बोला, मार्केट प्राइस में ऑलरेडी इंक्लूड होता है इनडायरेक्ट टैक्स, टैक्स में इंक्लूड होता है, लेकिन अगर सब्सिडी दे रहे हैं तो वो उसमें ऐड कर दी जाएगी। जैसे कि जनरली सब्सिडी हमको कहाँ मिलती, गवर्नमेंट कहाँ देती है सब्सिडी, जनरली एग्रीकल्चर के केस में मिलती है, ठीक है, किसानों को मिलती है। तो अगर किसान कोई चीज प्रोड्यूस कर रहा है तो उसको क्या होगा, उस पर टैक्स तो लगेगा नहीं, नो टैक्स, ठीक, और सब्सिडी उसमें लगेगी, ठीक है। तो उस केस में एनएनपी एट मार्केट प्राइस प्लस सब्सिडी, वो दोनों चीजें मिला के काउंट हो जाएंगी नेशनल इनकम में हमारी, ठीक है। अब बात करते हैं पर कैपिटा इनकम। जब हम नेशनल इनकम को अपनी टोटल पॉपुलेशन ऑफ द नेशन, वही जीडीपी पर कैपिटा वाला कंसेप्ट है, जब हम नेशनल इनकम को डिवाइड कर देंगे टोटल पॉपुलेशन से, तो हमारी आ जाएगी पर कैपिटा इनकम ऑफ द नेशन, मतलब इनकम पर हेड पर ईयर, मतलब हर इंसान की उस नेशन में इनकम पर ईयर, ठीक है, इसको एवरेज इनकम ऑफ द नेशन भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये हमारी नेशनल इनकम, तो नेशनल इनकम का कंसेप्ट यही था। अब हम आगे देखते हैं, अब जितनी चीजें हमने पढ़ी, जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी, ये सारी चीजें क्या पढ़ी हमने, थ्योरेटिकल वे में हमने समझ ली इनको, लेकिन जनरली क्वेश्चंस में जब आप फेस करोगे, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में देखोगे, चाहे यूपीएससी दे रहे हो, चाहे आप आरबीआई ग्रेड दे रहे हो, वहां पे आपको वन लाइनर तो मिल जाएगा क्वेश्चन, जीडीपी की डेफिनेशन, एनएनपी, नेशनल इनकम, लेकिन अगर आपस में लिंकेज आता है कि एनएनपी आप जीडीपी से कैसे निकालोगे, ठीक है, एनडीपी क्या चीज है, फैक्टर कॉस्ट मार्केट प्राइस से कैसे निकालोगे, तो उसके लिए अब हम एक चार्ट डिस्कस करेंगे, ठीक है। इस चार्ट के माध्यम से हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे, जिससे कि आप कभी इन कंसेप्ट को ना भूलें, हमेशा याद रखें, ठीक है। तो हमने क्या बताया, जीडीपी, ठीक, जीडीपी में जब हम क्या कर देंगे, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ठीक है, नेट फैक्टर इनकम अब्रॉड, जब वो हम उसमें ऐड कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, जीएनपी। और ये सब किस में चल रहा है, अभी मार्केट प्राइस में हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। जीडीपी में जैसे ही नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड हम ऐड कर देंगे, हमें मिल जाएगा जीएनपी। उसके बाद जीएनपी से जैसे ही हम क्या करेंगे, माइनस डेप्रिसिएशन कर देंगे, तो हमें क्या मिलेगा, एनएनपी, किस पे, मार्केट प्राइस पे, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारा, ये हमने ये तीन चीजें डिस्कस करी थी, ठीक है। उसके बाद हमने क्या बोला था कि नेट फैक्टर जो मार्केट प्राइस है उसमें से अगर हम
ये तो सब कुछ मार्केट प्राइस में हो गया। अच्छा, जीडीपी से भी जब हम माइनस कर देंगे डेप्रिसिएशन, ठीक है, ये ग्रॉस है, ग्रॉस मतलब टोटल, टोटल में से जब जैसे ही कुछ माइनस करेंगे, इसमें से भी सेम ग्रॉस है माइनस करेंगे तो नेट मिला, यहां पे भी नेट मिलेगा, क्या होगा, एनडीपी, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है। जीडीपी में से डेप्रिसिएशन माइनस होगा, एनडीपी मिलेगा, ठीक है। अभी ये सब क्या था, सब था मार्केट प्राइस पे, ये जितनी चीजें हमने डिस्कस करी हैं अभी किस पे करी, मार्केट प्राइस पे। अब अगर हमें फैक्टर कॉस्ट पे चीजें निकालनी है तो हम क्या करेंगे, एनएनपीएट मार्केट में से क्या करना पड़ेगा हमें, माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्स। नेट इनडायरेक्ट टैक्स क्या चीज है, माइनस इनडायरेक्ट टैक्स प्लस सब्सिडी, ठीक है, तो उसको हमने यहां पे लिख दिया माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्स, तो हमें क्या मिल जाएगा, एनएनपीएट फैक्टर कॉस्ट विच इज नेशनल इनकम, ठीक है। उसी तरह जैसे ही हम जीएनपी में से, जैसे ही हम जीएनपी में से नेट इनडायरेक्ट टैक्स माइनस करेंगे, हमें क्या मिलेगा, जीएनपी एट फैक्टर कॉस्ट, ठीक है। और इसमें से सेम हम डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा, एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट, ठीक है। सेम यहां पे भी होगा, जीडीपी में से भी जैसे ही हम करेंगे माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्स, क्या मिलेगा हमको, जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। ये सब क्या था, मार्केट प्राइस में था, ठीक है। सेम यहां पे होगा, माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्स मिलेगा हमको एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, ठीक है। और सेम यही डिप्रिसिएशन माइनस करने पे भी हमें जीडीपी फैक्टर कॉस्ट से क्या मिल जाएगा, एनडीपी फैक्टर कॉस्ट। अब आपस में आपको लिंकेज दिख गया, सब में आपस में क्या रिलेशन है, ठीक, कैसे हम जीडीपी से एनडीपी पे आएंगे, जीएनपी से एनएनपी पे आएंगे, ग्रॉस से नेट पे आएंगे, ठीक है, ये मेन कंसेप्ट है, ठीक है। चलिए, अब मेरे ख्याल से आपको ये चार्ट हमेशा याद रहेगा, आप कभी नहीं भूलोगे, जीडीपी, जीएनपी, एनडीपी, एनएनपी। चलिए नेक्स्ट, अब हम डील करते हैं पर्सनल इनकम। पर्सनल इनकम क्या चीज है, पर्सनल इनकम वो है जितनी भी इनकम देश में रहने वाले इंडिविजुअल हाउस होल्ड्स, जितनी भी उनकी इनकम है उनको सम कर दिया जाएगा इन ए गिवन ईयर, ठीक है। अब कुछ ऐसी इनकम होती हैं जो कि इनकम का तो पार्ट है बट, और वो अर्न भी करी जाती है बट वो एक्चुअली रिसीव नहीं करते हैं, जैसे कि सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन। सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन क्या है, वो एक्चुअली रिसीव नहीं करता है बट वो इनकम का पार्ट है। कॉर्पोरेट इनकम टैक्स सैलरी स्लिप में इंक्लूड होती है बट उसे नहीं मिलती। अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स, ये सब क्या चीजें हैं, अर्न तो करता है बट एक्चुअली रिसीव नहीं करता। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है ट्रांसफर पेमेंट। ट्रांसफर पेमेंट क्या है, जो वो रिसीव तो करता है बट उस टाइम एक्चुअली उसका बेनिफिट नहीं उठा पाता, एक्चुअली अर्न नहीं कर पाता। वो क्या चीज है, ऐसे ओल्ड एज पेंशन, अनएम्प्लॉयमेंट भत्ता, जो बेरोजगारी भत्ता है, रिलीफ पेमेंट, ठीक है, ये सारी चीजें। तो पर्सनल इनकम क्या हो जाएगी, नेशनल इनकम में से सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन माइनस कर देंगे, कॉर्पोरेट इनकम टैक्स माइनस कर देंगे, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट माइनस कर देंगे और ऐड क्या करेंगे, ट्रांसफर पेमेंट, ठीक है। तो ये है पर्सनल इनकम। नेक्स्ट देखते हैं डिस्पोजेबल इनकम क्या चीज है। डिस्पोजेबल इनकम क्या है, आपके पास पैसा बचा कितना, जो भी आपकी पर्सनल इनकम है, जो भी आपको सैलरी मिली, उसमें से जैसे ही टैक्स माइनस करेंगे तो आपका क्या मिल जाएगा, आपको नेट टेक होम सैलरी। तो नेट टेक होम सैलरी क्या है, डिस्पोजेबल इनकम, आपका जेब खर्च एक्चुअली में, ठीक है। तो जो डिस्पोजेबल इनकम है वो या तो कंज्यूम करी जाएगी या तो सेव करी जाएगी, बचाई जाएगी या तो खर्च करी जाएगी, इसीलिए डिस्पोजेबल इनकम इज इक्वल टू कंजम्पशन प्लस सेविंग। नेक्स्ट, अब हम देखते हैं कि नेशनल इनकम को मेजर करने के लिए क्या मेथड्स हैं, ठीक है। इसके मैं बता दूं आपको, तीन मेथड हैं लेकिन तीनों से रिजल्ट सेम आता है,
ठीक है। क्या है? पहला आउटपुट और प्रोडक्शन और वैल्यू एडेड मेथड, दूसरा है इनकम मेथड और तीसरा है एक्सपेंडिचर मेथड। तीनों ही मेथड यूज होता है, रिजल्ट सेम आता है। पहला देखते हैं आउटपुट और प्रोडक्शन मेथड। इसमें क्या है कि इकोनॉमी को हम डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स में डिवाइड कर देते हैं, जैसे कि आप देख पा रहे हैं एग्रीकल्चर, फिशिंग, कंस्ट्रक्शन, माइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेड एंड कॉमर्स, अदर सर्विस, और भी बहुत से सेक्टर्स हैं, ठीक है, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, बहुत सी चीजें हैं। इनमें हम क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं इकोनॉमी को, और उसके बाद उन सब का सम करते हैं, उनकी नेट वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन का, और उसका जो ग्रॉस प्रोडक्ट, उसका जो सम हमें मिलता है वो हमें दिलाता है क्या, नेशनल इनकम। तो इन ए ईयर, इन वन फाइनेंशियल ईयर, जब हम सारे सेक्टर्स का इनकम को ऐड कर देंगे, जो भी प्रोड्यूस करा उससे इनकम ऐड कर देंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, ग्रॉस प्रोडक्ट मतलब नेशनल इनकम हमें मिल जाएगी। ठीक है, इनका जो भी सॉरी जितना भी प्रोडक्शन होगा उसकी जो नेट वैल्यू है उसको हम ऐड करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट इनकम मेथड। इनकम मेथड जरा सा फर्क है, इनकम मेथड में क्या है कि हम जितने भी इंडिविजुअल्स हैं उनकी इनकम को ऐड कर देंगे, समिंग अप द इनकम्स ऑफ ऑल इंडिविजुअल्स इन द कंट्री। ठीक है, तो इसमें हम क्या क्या चीजें इंक्लूड करेंगे, देखिए जैसे रेंट ऑफ लैंड, ठीक है, जो भी आप रेंट लैंड का दे रहे हो, वेजेस, सैलरीज ऑफ एम्प्लॉयज, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जो भी आपने लोन लिया उस पर इंटरेस्ट, जो भी आपको सैलरी मिल रही है एम्प्लॉय को, जो वेजेस दे रहा है काम कराने के लिए, जिस दुकान में काम कर रहा है उसका रेंट दे रहा है, ठीक, जो भी कंपनी प्रॉफिट कर रही है, और कोई सेल्फ एम्प्लॉयड आदमी है जो अपना खुद का बिजनेस चला रहा है उसकी इनकम, ये सारी इनकम हम ऐड करेंगे। जैसे ही ऐड करेंगे हम क्या मिल जाएगी, नेशनल इनकम। नेक्स्ट एक्सपेंडिचर मेथड। अब इस मेथड में, ये मेथड का जनरली जो फॉर्मूला है वो बहुत बार पूछा गया है एग्जामिनेशंस में, तो ये थोड़ा सा हमें देखना होगा। इस मेथड में क्या है कि जितना भी एक्सपेंडिचर मतलब जो हमारे खर्चे हैं, ठीक, और वो किसी की इनकम भी होगी, ठीक है, तो एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू क्या हो गया, इनकम हो गई। तो अगर हम कान को उधर से ना पकड़ के दूसरी तरफ से पकड़ें, बात एक ही है। तो एक्सपेंडिचर में अगर हम इनकम ना जोड़ के एक्सपेंडिचर जोड़ेंगे तो भी हमको नेशनल इनकम मिल जाएगी। ठीक है, तो अब एक्सपेंडिचर मेथड में हम क्या करेंगे, ये देखिए, ये एक फॉर्मूला है, C+I+G+X-M। इसमें हमारा C क्या है, C है वो एक्सपेंडिचर जो भी कंज्यूमर, जो गुड्स एंड सर्विसेज हैं उनके कंज्यूमर्स, जो भी इसके कंज्यूमर होंगे, मतलब जो भी आप सामान खरीद रहे हो प्रोडक्ट मार्केट में उसको खरीद रहे हैं, कौन, इंडिविजुअल और हाउस होल्ड्स, मतलब हम लोग, जैसे कि इंडिविजुअल्स, हाउस होल्ड्स, ये लोग जो एक्सपेंडिचर कर रहे हैं सामान खरीदने में, उसको हम सी बोलेंगे, कंज्यूमर गुड्स। ठीक है, आई हमारा होगा जो भी प्राइवेट बिजनेस इंटरप्राइजेज हैं, वो जो कैपिटल गुड में अपना इन्वेस्टमेंट करती हैं, ठीक, और क्या करती है, इन्वेंट्रीज अपनी बनाती हैं, स्टॉक खरीदते हैं पर ईयर, मतलब जितने भी प्राइवेट कंपनीज का इन्वेस्टमेंट है एक्चुअल में, ग्रॉस प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, वो यहाँ पे हम आई से डिनोट कर रहे हैं, ग्रॉस प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, प्राइवेट कंपनीज का जितना इन्वेस्टमेंट है। ये है हमारा गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, जितना भी गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करती है एक साल में, ठीक है, कोई चीज खरीदती, गवर्नमेंट परचेजेस जितने हैं वो क्या होंगे, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर जी, और एक्स माइनस एम है हमारा एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट, वही नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट, ठीक है, उसका नेट, ठीक है, जितना एक्सपोर्ट में खर्चा हुआ माइनस जितना हमारा इम्पोर्ट में खर्चा हुआ वो इसमें ऐड कर दिया जाएगा, तो हमें मिल जाएगा नेशनल इनकम। ठीक है, तो ये एक एक मेथड है, ये तीन मेथड है जो कि जनरली यूज करे जाते हैं, तीनों से रिजल्ट हमारा सेम आता है, बता चुका हूं मैं। ठीक है, अब नेक्स्ट हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं जो कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट है आने वाले एग्जामिनेशंस में। ठीक है, पहला क्वेश्चन है,
देखिए यूपीएससी 2011 में आ चुका है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ग्रोथ रेट ऑफ जीडीपी हैज स्टेडली इंक्रीज इन द लास्ट 5 ईयर्स। ठीक है, अब आपको ये देखना है कब किस साल में आया है, 2011 में। अब अगर हम बात करें 2011 में, तो 2006 से ये एक्चुअली डाटा बेस्ड क्वेश्चन है, तो थोड़ा सा हमको एनालिटिकल अप्रोच अपनानी पड़ेगी। 2006 से 11, तो हमारा अगर जीडीपी अगर हम देखें किसी भी मिनिस्ट्री साइट में, अगर हमने कोई डेटा पढ़ा हो उसके अकॉर्डिंग, तो 2006 से 2011 की जो जीडीपी है क्या कॉन्स्टेंटली इंक्रीज करी है? नहीं, क्योंकि किसी साल 6.5 रही, 2006 से हम 11 की बात कर रहे हैं, किसी टाइम 7 हो गई, फिर एकदम से 8 हो गई, फिर गिर के कितनी हो गई, 7.4 हो गई। तो ये एक कांस्टेंट इंक्रीज नहीं है। ठीक है, ये क्या है, कभी गिर रही, कभी घट रही, कभी बढ़ रही है, तो ये स्टेडली इंक्रीज नहीं है, तो ये स्टेटमेंट गलत है। बट ग्रोथ रेट इन पर कैपिटा ये एकदम सही है। जो ग्रोथ रेट पर कैपिटा इनकम है, पर कैपिटा इनकम क्या है, जितनी इनकम, टोटल इनकम, जीडीपी, टोटल जीडीपी डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन, ये जो है ये हमारी बराबर बढ़ती चली जा रही है पिछले पिछले 5 सालों से, तो मिनिमम। ठीक है, ये हमारी बढ़ती चली जा रही है, तो ये स्टेटमेंट एकदम सही है, मतलब 2 ओनली इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, नेशनल इनकम ऑफ ए कंट्री फॉर गिवन पीरियड इज इक्वल टू, अब मैंने क्या बताया, नेशनल इनकम क्या होगी, टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय नेशनल्स, ये होगी। बाकी ऑप्शन भी देख लेते हैं, सम ऑफ टोटल कंजम्पशन इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, नहीं, कंजम्पशन के साथ एक्सपेंडिचर नहीं चलेगा। सम ऑफ पर्सनल इनकम ऑफ ऑल इंडिविजुअल्स, नहीं। मनी वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स, मनी वैल्यू की कोई बात नहीं है यहाँ पे, बात क्या है कि जितनी भी गुड्स एंड सर्विसेज की टोटल वैल्यू है, वो जितने भी नेशनल्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, वो हमारी क्या होगी, नेशनल इनकम होगी। ठीक है, दिस इज द मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू इकोनॉमिक ग्रोथ के रिगार्डिंग, अब अगर हम बात करें इकोनॉमिक ग्रोथ हम रियल सेंस में किसे कहेंगे, इट रिफर्स टू इंक्रीज इन जीडीपी। इस साल तो आपकी जीडीपी थी, मान लीजिए 2017 में इंडिया की जीडीपी है 7.5%। ठीक, 2017 के एंड में हो गई 7.8%। ठीक, उसके बाद 2018 के फर्स्ट क्वार्टर में हो गई 7.2%। ठीक, फिर 2018 के एंड में हो गई 7.9%। तो क्या हम बोलेंगे कि इंडिया की इकोनॉमी ग्रो कर रही है? नहीं, क्योंकि क्या है, ये लॉन्ग एंड सस्टेन्ड राइज इन जीडीपी नहीं है। मतलब कि जो जीडीपी है वो बढ़ रहा है, घट रहा है, बढ़ रहा है, घट रहा है। तो ये स्टेटमेंट सिर्फ जीडीपी के इंक्रीज से हम नहीं कह सकते कि किसी भी इकोनॉमी की ग्रोथ हो रही है। नेक्स्ट स्टेटमेंट है, इट रिफर्स टू लॉन्ग एंड सस्टेन्ड राइज इन रियल जीडीपी। रियल जीडीपी क्या होगा भाई, रियल जीडीपी होगा जिसमें इन्फ्लेशन को हमने एडजस्ट कर दिया, मतलब इसमें इन्फ्लेशन इंक्लूडेड नहीं है। अब स्टेटमेंट क्या कहता है, लॉन्ग एंड सस्टेन्ड राइज, चलिए ठीक है, इन्फ्लेशन एडजस्ट कर दिया है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर लॉन्ग एंड सस्टेन्ड राइज है, मतलब पिछले 10 सालों से, फॉर 10 ईयर्स अगर भारत की जीडीपी बढ़ रही है लगातार, 2001 से 11 की बात करें अगर हम, 2001 से 11 की यहाँ पे जीडीपी थी 6.5 के, बढ़ते 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 यहाँ हो गई 9.5। क्या है, 10 साल लॉन्ग हो गया, लॉन्ग पीरियड हो गया, और सस्टेन्ड राइज, बीच में कहीं घटी नहीं, तो इसको हम कहेंगे एक्चुअल इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ ए कंट्री इकोनॉमी। ठीक है, तो दिस इज द एक्चुअल इकोनॉमिक ग्रोथ। नेक्स्ट स्टेटमेंट आप देख सकते हैं, कैरेक्टराइज बाय फॉल इन अनएम्प्लॉयमेंट रेट, इसको आप नहीं कह सकते क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट रेट तो घटा है, इससे ये प्रूफ नहीं होता कि हमारी इकोनॉमी ग्रो करेगी, प्रोडक्शन बढ़ा, ये कहीं प्रूफ नहीं है। राइज इन जीडीपी और मॉनेटरी टर्म्स, दिस इज ऑल्सो नॉट ट्रू, सो सेकेंड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट,
अब ये तो मैंने आपको बता दिया था, डॉक्टर वी के आर वी राव थे जिन्होंने 1931 में सबसे पहले नेशनल इनकम का, सबसे पहले नहीं मतलब ऑन साइंटिफिक टर्म्स जो एक्चुअल ऑफिशियल है एक तरीके से नेशनल इनकम का एस्टिमेशन दिया था, लेकिन सबसे पहले 1876 में दादा भाई नारोजी ने नेशनल इनकम का एस्टिमेट दे दिया था। नेक्स्ट, नेशनल इनकम का रिस्पॉन्सिबिलिटी किसका है? सीएसओ का, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, नेक्स्ट। अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मोस्ट अप्रोप्रिएट मेजर ऑफ कंट्रीज इकोनॉमिक ग्रोथ। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत बार चाहे वो आरबीआई ग्रेड भी हो, ठीक है, चाहे एसबीआई का पीओ एग्जाम हो, चाहे आईबीपीएस हो, चाहे यूपीएससी हो या एसएससी हो, जितने भी एग्जाम्स हैं सब में ये आया हुआ क्वेश्चन है, मोस्ट अप्रोप्रिएट मेजर ऑफ कंट्रीज इकोनॉमिक ग्रोथ। इसमें जीडीपी भी दिया है, एनडीपी भी दिया है, पर कैपिटा रियल इनकम है, जीएनपी, कौन सा होगा? थोड़ा दिमाग लगाइए। जीडीपी नहीं है, जीडीपी इंटरनेशनल टर्म्स में है बट एक्चुअली मोस्ट अप्रोप्रिएट मेजर नहीं है, एनडीपी भी नहीं है, पर कैपिटा रियल इनकम है, क्योंकि इससे हमें क्या पता चलता है, पर्टिकुलर कंट्री की, पर्टिकुलर एरिया की स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग का, पर्टिकुलर एरियाज स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। और दूसरी चीज, ये इन्फ्लेशन एडजस्टेड है, जहां भी रियल लगा होगा समझ जाइए इन्फ्लेशन एडजस्टेड है। ठीक है, तो दिस इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट मेजर ऑफ कंट्रीज इकोनॉमिक ग्रोथ, पर कैपिटा रियल इनकम, याद रखिएगा पर कैपिटा रियल इनकम, बाकी सारे ऑप्शन रॉन्ग है। नेक्स्ट, अब वाइल कैलकुलेटिंग जीएनपी ध्यान रखिएगा, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में मैंने क्या बताया, इनकम जनरेटेड बाय फॉरनर्स इन ए कंट्री इज टेकन इनटू कंसीडरेशन, नहीं, ये फॉरनर्स जो इनकम जनरेट कर रहे हैं ये अपनी कंट्री के लिए कर रहे हैं, फॉरेन के लिए कर रहे हैं, ये भारत के लिए नहीं कर रहे हैं, इनको भारत पे तो कर रहा है लेकिन इनकी इनकम जीएनपी में नहीं काउंट होती। किसकी काउंट होती है? सिर्फ इंडियन नेशनल्स की, चाहे वो भारत में करें प्रोड्यूस, चाहे भारत से बाहर करें, तो आउटसाइड द कंट्री कोई दिक्कत नहीं है, दिस इज द राइट टू ओनली। नेक्स्ट, अब ये देखिए, मैंने इसीलिए आपको चार्ट बताया था, नेशनल इनकम फ्रॉम जीडीपी। ठीक है, अब आप अगर थोड़ा सा दिमाग लगाइए तो नेशनल इनकम जीडीपी से हमें कैसे मिलेगा? नेशनल इनकम जो कि एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट है, ठीक है, वो एक्चुअल में क्या है, दिमाग लगाइए, याद करने की कोशिश करिए, नेशनल इनकम जो है जो कि एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट है वो एक्चुअल में है क्या? वो है जीएनपी माइनस डिप्रिसिएशन। ठीक चलेगा, एकदम चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको हम और क्या लिख सकते हैं, सॉरी, ये हमारा क्या था, मार्केट प्राइस पे था, हमें क्या चाहिए, नेशनल कम होगी तो फैक्टर कॉस्ट पे होगी, फैक्टर कॉस्ट पे क्या होगी, एन एन पी एट मार्केट प्राइस, ठीक है, माइनस माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। ठीक है, अब एन एन पी एट मार्केट प्राइस को हम जीडीपी के टर्म्स में क्या लिख सकते हैं, जीडीपी प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्स। ये कहां से आया, क्योंकि एनएनपी एट मार्केट प्राइस क्या है, जीएनपी, जीएनपी माइनस डेप्रिसिएशन। ठीक है, और जीएनपी क्या चीज है एक्चुअल में, जीडीपी, जीडीपी प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, तो क्या हो गया, जीडीपी प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, तो आंसर क्या होगा इसका, थर्ड वन, जीडीपी प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस।
नेक्स्ट, डेप्रिसिएशन अगर हम जीएनपी से घटा देते हैं तो हमें क्या मिलता है, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। नेक्स्ट, हाँ अब ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, जीडीपी को मेजर करने के लिए एक बेस ईयर होता है, बेस ईयर, ठीक है, जिसके उस पर्टिकुलर ईयर के आधार पे पूरा एस्टिमेशन होता है। तो अभी जो करेंटली बेस ईयर जीडीपी के लिए है वो है 2011-12, इससे पहले कौन सा था, 2004-05, ठीक है। तो करेंटली 2011-12 जीडीपी के लिए बेस ईयर माना है। अब लार्जेस्ट फिगर देखिए, बताइए नेट नेशनल प्रोडक्ट, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम, पर्सनल इनकम, ये दोनों तो कभी नहीं होंगे। इन दोनों में बात करें तो ग्रॉस है ये, नेट है ये, ऑब्वियसली ग्रॉस बड़ा है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट इज द लार्जेस्ट फिगर। अब देखिए नेशनल इनकम, नेशनल इनकम में क्या क्या चीज है, मैंने क्या बोला, रेंट होगा, इंटरेस्ट ऑन लोन कैपिटल होगा, वेजेस होगा और एंटरप्रेन्योर्स का प्रॉफिट। तो एक्चुअल में आंसर होगा दिस वन। नेक्स्ट, कौन सा ऐसा मेथड है जो कि नेशनल इनकम कैलकुलेट करने के लिए नहीं होता है, वैल्यू एडेड मेथड मैंने बताया, जो कि आउटपुट और, इसको आउटपुट और प्रोडक्शन मेथड भी बोलते हैं, ठीक है, तो ये तो है ही। एक्सपेंडिचर मेथड मैंने बता दिया, पूरा इसका फॉर्मूला है। इनकम मेथड भी होता है, ट्रंकेशन मेथड नहीं है कोई भी, तो थर्ड वन इज द रॉन्ग। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, आई होप आपको हमारा लेक्चर पसंद आया होगा। पसंद आया है तो जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, हमारे चैनल को प्लीज शेयर करिएगा, ठीक है, फेसबुक पे, ट्विटर पे और व्हाट्सएप पे, जहां जहां हो सकता है हमारे इस वीडियो लेक्चर को शेयर करिए, शेयर करने से ही नॉलेज बढ़ती है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, अगर आपको हमारा लेक्चर पसंद आया हो, अगर आपको अपना कोई फीडबैक देना है और फर्दर कुछ आप हमसे कहना चाहते हैं तो प्लीज़ वीडियो के बिलो कमेंट करना ना भूलें। थैंक्स गाइज, हैव अ नाइस डे, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।